नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं लेवल 5 के रिज़ल्ट डेट के ऊपर, और साथ में ये भी बात के ऊपर चर्चा करेंगे कि लेवल 5 का रिज़ल्ट सभी जोन का एक साथ आएगा या फिर प्रत्येक जोन का अलग अलग डेट में यहाँ पर देखने को मिलेगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएँ। साथियों, यहाँ पे देखिए, अगर लेवल 6 के विषय में आप देख पा रहे होंगे तो लगभग सभी जोन का यहाँ पे डीबी डेट को अनाउंस कर दिया गया है, और केवल एक जोन जो कि सुपर फास्ट की तरह कार्य कर रहा है वो है चेन्नई। यहाँ पे फर्स्ट जो डीबी लिस्ट आया था उनका फाइनलिस्ट भी बना दिया गया है, और उनको फाइनली आप ज्वाइनिंग भी मिल जाएगा कुछ दिनों के भीतर। बाकी दोस्तों, 606 कैंडिडेट के आसपास थे, उसमें से 506 या 7 के आसपास कैंडिडेट जो है वो फर्स्ट पैनलिस्ट में शॉर्टलिस्ट हुए थे। बाकी कुछ पद जो है वो रिक्त रह गया था, और जिसके कारण से सेकेंड डेवी लिस्ट भी यहाँ पे निकाला गया। और आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि सेकेंड डेवी लिस्ट का भी यहाँ पे कॉल लेटर आ चुका है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और मेडिकल टेस्ट के लिए। तो यहाँ से ये बात आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों कि अब जो है वो लेवल 6 का सेकेंड डेवी पहले होगा, उसके बाद आपका लेवल 5 का रिजल्ट आएगा। तो इसी तरह से दोस्तों, दूसरे जोन बाकी जो 20 आरआरबी बचे हुए हैं तो बाकी 20 आरआरबी में भी सेम प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। पहले लेवल 6 का रिज़ल्ट यहां पे फर्स्ट पैनलिस्ट आएगा, और उसके बाद में जितने पद रिक्त रह जाते हैं एडिशनल यहां पे कैंडिडेट को बुलाया जाएगा सीट को भरने के लिए, और फिर उनका डीवी और मेडिकल होगा। तो यहाँ से तो ये बात क्लियर हो गया दोस्तों कि जब तक कि सीट फुलफिल नहीं होता है लेवल 6 वालों का, तब तक लेवल 5 का रिज़ल्ट को यहाँ पर पब्लिश नहीं किया जाएगा। तो यहाँ देखिए, अगर जोन वाइज यहाँ पे ये प्रक्रिया को किया जाए, और आप ये सोच रहे हैं कि सभी जोन का रिजल्ट एक साथ आ जाए लेवल 5 का, तो कहाँ तक ऐसा संभव है दोस्तों। देखिए, लेवल 6 का यहाँ पे चेन्नई जोन का अब पूरा भर्ती प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट होने के लिए, जबकि कुछ जोन ऐसे हैं जैसे मुंबई हो गया, ये सब जोन में अभी भी यहाँ पर लटका हुआ है। तो किस तरह से आप कह सकते हैं दोस्तों कि लेवल 5 का रिज़ल्ट जो है वो सभी जोन का एक साथ आ सकता है। फिर भी साथियों, अगर बात कर ले रिज़ल्ट की, तो देखिए चेन्नई जोन का ही सबसे पहले लेवल 5 का रिज़ल्ट पब्लिश होगा, और नेक्स्ट वीक नवंबर का जो फर्स्ट वीक के करीबन आप 10 तारीख तक लेकर के चलो दोस्तों कि यहाँ पे लेवल 5 का रिज़ल्ट पब्लिश हो जाएगा। और बाकी जोन का थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ पर देखिए बाकी जोन का यहाँ पर फर्स्ट पैनलिस्ट भी नहीं आया है। कितने कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं, कितने कैंडिडेट यहाँ पे सीट बच गया है, कितने को यहाँ एडिशनल डीवी के लिए बुलाया जाएगा, कुछ भी अभी आता पता नहीं है बाकी 20 आरआरबी का, अगर चेन्नई जोन को छोड़ दिया जाए तो। तो इस तरह से दोस्तों, बाकी जोन वालों को थोड़ी सी सब्र करने की आवश्यकता है यहाँ पर, जब तक कि उनका लेवल 6 वालों का सीट कम्प्लीट नहीं हो जाएगा तब तक लेवल 5 का रिज़ल्ट यहाँ पर पब्लिश नहीं किया जाएगा। और ये कहीं ना कहीं अच्छा ही है दोस्तों, क्योंकि लेवल 6 वाले जो कैंडिडेट है वो ऑब्वियस सी बात है लेवल 5 में भी कई पोस्ट के ऊपर क्वालिफाई ही होंगे, तो जब उनको लेवल 6 के लिए शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा तो ऑटोमेटिकली कटअप नीचे के लिए डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन इस तरह से अगर भर्ती प्रक्रिया चले दोस्तों तो काफ़ी लंबा समय खींचने वाला है, और इस वजह से आरआरबी ये प्लान कर रही है कि लेवल 2 और लेवल 3 का रिज़ल्ट, देखिए लेवल 5 का रिज़ल्ट तो श्योर रही है कि लेवल 6 का जब भर्ती कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद लेवल 5 वालों का रिज़ल्ट पब्लिश किया जाएगा। लेकिन चूंकि लेवल 2 और लेवल 3 में भी काफ़ी ह्यूज अमाउंट में सीट है, काफ़ी ह्यूज सीट है, तो यहाँ पे जो अभी प्लान चल रहा है दोस्तों कि इन दोनों का रिज़ल्ट एक साथ पब्लिश कर दिया जाए, ताकि जो है इस तरह का झंझट जो बार बार एडिशनल डीवी के लिए कॉल लेटर आपको जारी किया जाता है, ये सबसे छुटकारा पाया जा सके। हाँ, ये हो सकता है कि यूनिकनेस ऑफ कैंडिडेट को मेंटेन करते हुए, जैसे कि साइको टेस्ट में मेंटेन किया गया था लेवल 6 और लेवल 4 के टाइम में, और साथ में जो टाइपिंग स्किल टेस्ट हुआ था लेवल 2 और लेवल 5 में, वहाँ पे भी तो यूनिकनेस ऑफ कैंडिडेट को मेंटेन किया गया था, तो उसी तरह से हो सकता है दोस्तों कि यहाँ पे भी आपका लेवल 2 अथवा लेवल 3 के अंदर यूनिकनेस ऑफ कैंडिडेट को मेंटेन करते हुए यहाँ पे दोनों का रिजल्ट साथ साथ पब्लिश कर दिया जाए। तो देखिए, इस तरह से तो फ़ायदा है कि हाँ भर्ती प्रक्रिया जल्दी कम्प्लीट हो जाएगी, लेकिन इसका थोड़ा सा नुकसान भी है दोस्तों, क्योंकि मान लीजिए कि जो कैंडिडेट लेवल 3 के लिए यहाँ पर शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं और बाय चांस वो किसी कारणवश मेडिकली फेल हो जाते हैं या फिर मेडिकली अनफिट हो जाते हैं, क्योंकि लेवल 3 का जो मेडिकल क्राइटेरिया है वो अलग है, और कहीं ना कहीं लेवल 2 में टाइपिंग वाला पोस्ट है तो उसका मेडिकल क्राइटेरिया C2 है, मतलब लेवल 3 का मेडिकल क्राइटेरिया जो है वो लेवल 2 के पोस्ट, लेवल 2 में दो पोस्ट है, एक आपका ट्रेन क्लर्क का है और एक
जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का है, तो जूनियर क्लर्क का टाइपिस्ट वाला पोस्ट तो खैर C2 मेडिकल क्राइटेरिया है, जबकि ट्रेन क्लर्क वाला का A3 मेडिकल क्राइटेरिया है, और लेवल 3 वाला का जो पोस्ट है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क दोस्तों उसका B2 मेडिकल क्राइटेरिया है, और B2 जो है वो C2 से ऊपर ही होता है। तो मान लीजिए किसी कारणवश कोई कैंडिडेट जो है वो यहाँ पे लेवल 3 के लिए शॉर्टलिस्ट होता है और किसी कारणवश वो B2 मेडिकल क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाता है दोस्तों, तो ऐसी स्थिति में फिर चूँकि लेवल 2 में तो कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है, बहुत सारे कैंडिडेट वहाँ पे शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, और ऐसी स्थिति में अगर वो फेल कर जाता है लेवल 3 के अंदर तो फिर उसको सीट कैसे मिल पाएगा लेवल 2 में? वो लेवल 2 में भी क्वालिफाई होगा तो फिर उसको लेवल 2 का सीट तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि लेवल 2 में ऑलरेडी कैंडिडेट को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट कर दिया गया है। तो ये कुछ नुकसान हो सकते हैं, लेकिन अभी तो खैर क्या होगा दोस्तों इसकी खैर कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर इस तरह से भर्ती प्रक्रिया चले कि भाई लेवल 5 का फिर रिजल्ट दो, लेवल 5 वालों का कितना सीट बचा उसका एडिशनल DB और DB के लिए इक्वल लेटर निकालो, फिर मेडिकल निकालो, तो इस टाइप से थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है और टाइम लग सकता है। और यहाँ पे ग्रुप डी की भी वैकेंसी साथ में चल रही है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर जो NTPC वाले कैंडिडेट है वो ग्रुप डी में भी चले जाते हैं तो फिर ग्रुप डी का भी कट ऑफ ऑटोमेटिकली काफ़ी हाई चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ NTPC का पहले भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाना चाहिए। और देखिए दोस्तों यहाँ पे एक संभावना ये भी व्यक्त की जा रही है कि जो लेवल 5 का रिजल्ट है वो सभी जोन का एक साथ पब्लिश कर दिया जाए नवंबर के लास्ट वीक में, ठीक है, ऐसा ये बोला गया था RRB के अधिकारी के द्वारा कि सबका रिजल्ट जो है वो एक साथ यहाँ पे नवंबर के 4th वीक में पब्लिश किया जाएगा। तो अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है दोस्तों कि क्या होगा, यहाँ पे सभी जोन का एक साथ रिजल्ट पब्लिश होगा या फिर अलग अलग पब्लिश होगा। लेकिन यहाँ से तो जैसे लेवल 6 वालों का रिजल्ट चूँकि चेन्नई जोन से एडिशनल DB आया तो वहाँ से एक अंदाज़ा आप लगा ही सकते हैं कि पहले जो है वो यहाँ पे आपका सेकेंड DB कंप्लीट हो जाएगा, मतलब सभी जोन का लेवल 6 कंप्लीट हो जाएगा, फिर यहाँ पे लेवल 5 का रिजल्ट पब्लिश होगा। तो इस टाइप से हो सकता है दोस्तों, बाकी आप अपनी राय थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि किस तरह से हो सकता है और लेवल 5 का रिजल्ट जो है वो कब तक पब्लिश हो सकते हैं। अगर आपके पास में कोई सोर्स है, आप मेल या फिर RTI रिप्लाई के तहत कुछ बात हुआ है तो भाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक ऑफिशियल नोटिस के साथ में, जैसे ही कोई इसके रिगार्डिंग ऑफिशियल अपडेट आता है तो मैं आपको यहाँ पे सूचित कर दूँगा। मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।